क्या माहवारी बंद हो जाने के बाद में, जिसको कि मेनोपोज कहा जाता है, उसके बाद में भी औरत मां बन सकती है? तो उसका जवाब है हाँ। असंभव दिखने वाली ये बात आज विज्ञान के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे संभव है। न केवल संभव है, हजारों महिलाओं ने इस तकनीक का लाभ उठाकर संतान प्राप्ति की है। कैसे पॉसिबल है ये? ये मुमकिन इसलिए है कि आज IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक औरत के शरीर से स्त्री का बीज निकाल के जो मां बनना चाहती है वो औरत के पति के पुरुष बीज से फलित करके गर्भ बनाया जाता है, और फिर उस गर्भ को जो मां बनना चाहती है उस औरत के बच्चेदानी में रखा जाता है। सगर्भावस्था उसी औरत को रहती है, वही प्रेगनेंसी अच्छी तरह से 9 महीने तक रख के बच्चे को जन्म देती है, अपना दूध पिलाती है और अपनी कोख से बच्चे का जन्म देने का आनंद भी उठाती है। तो दोनों तरफ फायदा है, पति का बीज आता है, पत्नी माँ बनती है और बच्चे को दूध भी पिलाती है। न केवल ये जो ट्रीटमेंट है ये संपूर्ण गोपनीय है, किसी को पता नहीं चलता, ये सीक्रेट रहता है कि बच्चा किसके बीज से जन्म लेता है। इसलिए हजारों महिलाओं ने इस तकनीक का फायदा उठा के आज तक संतान प्राप्ति की है। तो कैसे पॉसिबल होता है? बच्चेदानी जो होती है वो मेनोपोज के दौरान सूख जाती है, छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसे जो हॉर्मोन्स मिलने चाहिए बीज बनने की वजह से वो नहीं मिल पाते। मगर वही हॉर्मोन्स अगर उनको दवाई के माध्यम से दिए जाते हैं तो बच्चेदानी फिर से तरोताजा हो जाती है, माहवारी भी चालू हो जाती है और वो बच्चा रखने के लिए काबिल हो जाती है। तो इस अवस्था में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्त्री का जो बीज है वो डोनर का, मतलब बाहर से लेना पड़ता है, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। ध्यान रखने वाली बातें ये है कि अगर उम्र के साथ में कोई बीमारियां है जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, तो उसको पहले कंट्रोल करना जरूरी है। हेल्थ अच्छी होना जरूरी है, न्यूट्रिशन अच्छा होना जरूरी है, एक अच्छी मेडिकल केयर मिलना जरूरी है, और जब प्रेगनेंसी रह जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद में भी उसकी केयर अच्छे से करना जरूरी है। बच्चे को 20-25 साल तक बड़ा करना होता है तो उनकी हेल्थ और फैमिली सपोर्ट भी इतना ही जरूरी है। और ऐसी स्थिति में सामान्यतः ये कोशिश की जाती है कि माता एक ही गर्भ को रखे रादर देन 2 या 3, तो उस तरह से सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है। और ये बहुत ही सफल और बहुत ही सरल उपचार है जो कि एडवांस एज, मतलब जिनकी उम्र बढ़ गई हो, ऐसी औरतों के लिए उपयोगी और आशीर्वाद रूप हो सकता है। एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये है कि माता जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर पर काफी लोड आता है, तो वो लोड सहन करने के लिए, उठाने के लिए उसकी कैपेबिलिटी है वो देखने के लिए एक फिटनेस का टेस्ट करना, जिसको हम होल बॉडी चेकअप कहेंगे, वो करना जरूरी है। और वो अगर सही है तो फिर कोई इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता। दूसरा है कि एक एज का लिमिट भी रखना चाहिए, क्या, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसलिए एक एज की लिमिट और तंदुरुस्ती का ध्यान रख के ये सारवार बहुत ही सफलतापूर्वक की जा सकती है।